पीपल आर एम्पावरिंग देमसेल्फ इन द न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। और आज देश में, हमारी देश दुनिया की जो ग्लोबल अरेना में सबसे अच्छा किसी सेक्टर में कर रहा है, डिजिटाइजेशन में कर रहा है, डिजिटलाइजेशन में कर रहा है, और इस विशेष करके फाइनेंशियल सेक्टर में, यह हमारी देश की एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। और आप उसकी कैटलिस्ट हो, आपको बधाई। आप भले ही कैप्शन आप पहले बाद में लगाए होंगे, देश काफी आगे बढ़ चुका है, आप उसमें 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में अच्छा विचार करोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं फिर कह रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर्स को ही सुनना है, लेकिन एक उड़ीसा की प्रोस्पेक्ट में देश की लोग आए हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको, देश की लोगों को, दुनिया के लोगों को उड़ीसा से ही, आज स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल साइंस, माय ऑब्जर्वेशन सर फ्यू, आई एक्सप्रेस माय ऑब्जर्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू। आपसे हमारी अपेक्षा क्या है? अभी हमारे कुछ बहनें उड़ीसा की संबलपुर जिले की कंधरा गांव के कदलीगढ़ पंचायत के कुछ बहनें रेढ़ाकुल के आए थे फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देने। वो बधाई किस चीज का था? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा, मैं देश की 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाऊंगा, सारे SHG के जो अंदर महिलाएं हैं उनको मैं लखपति बनाऊंगा। 4 करोड़ घर बन चुके हैं पिछले 9 साल में, 4 करोड़ घर, सब मिनिमम 1.5 लाख से ऊपर। 2 करोड़ घर और पाइपलाइन पे हैं। 2 करोड़ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड बनाया जाएगा, उसको सरकार और विशेष करके निर्मला जी की विभाग फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट थ्रू ए प्रोसेस, थ्रू ए सिंप्लीफाइंग प्रोसेस, 1 लाख रुपया की प्रारंभिक दिनों में मदद करेगी, और आगे चल के इनको फिर और हैंड होल्ड किया जाएगा। ऐसे महिलाएं आज आए थे निर्मला जी को, वो जानते थे कि दीदी संबलपुरी साड़ी पहनती और कॉटन साड़ी पहनती हैं। इस बार संबलपुरी डे में भी दीदी ने संबलपुरी साड़ी पहनी थी, हमने नहीं कहा था, मैं तो संबलपुरी पटका लगा के गया था, लेकिन मैं जब हम लोग इकट्ठा एक ही बेंच में बैठते हैं, जब देखा कि दीदी ने संबलपुरी साड़ी पहनी, तो महिलाओं ने आज आया है दीदी को सम्मानित करने के लिए। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं उड़ीसा में एक मैगजीन के एक न्यूज पेपर की कुछ बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आया था, नया स्टार्टअप्स को, जिसके बारे में अभी आपने उल्लेख किया, 14 में 350 स्टार्टअप था, वो आज लगभग 1 लाख हो गया है, जिसमें आप भी उसमें से रोल ढूंढ रहे हो, आप उनको कम ध्यान देते हो, मैं जानता हूं। मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हूं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टार्टअप की इंक्यूबेशन सेंटर है। मैं उनको 2 चीज पूछता हूं, आपको मदद कौन कर रहा है? अगला कोई नहीं मदद कर रहा है। अभी उनकी नेटवर्थ बढ़ते हुए दिख के आप उसमें से हाथ बढ़ा रहे हो, आपको धन्यवाद। आप थोड़ा उनको गाइड करो, आप उनको मदद करो, आज नहीं कर रहे हो। मैं फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के सामने कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। दूसरा, उनको भारत के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पैसा नहीं देता, यानी बैंकिंग सेक्टर पैसा नहीं देता है, क्योंकि उनकी रिस्क जो है वो अपने आइडियाज के ऊपर है, उनको वेंचर कैपिटल मिलता है। कम से कम आपकी जो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से आप ज्यादा देते हो, आप उनमें से थोड़ा वेंचर कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा शायद आप मदद आप खुद को कर पाओगे, थोड़ा आपका डी रिस्क कर पाओगे अपना टैक्स बर्डन को। एक लड़के को मैंने इसे स्टार्टअप को भुवनेश्वर में मिला, लॉ में काम करता है, लॉ में कंसल्टेंसी लॉ में देता है। उसको पूछा मैंने स्टेज में, आप किसको कंसल्टेंसी देते हो? भुवनेश्वर का लड़का CA नहीं है, लॉ ग्रेजुएट है। वो कहा, मेरा क्लाइंट दुनिया भर में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है। मैंने उनको दूसरा प्रश्न पूछा, आपकी टर्नओवर कितना हुई है? बोला 3.5 करोड़।
मैं इसीलिए आपके सामने इस विषय को रख रहा हूं, जो यंगस्टर्स यहां बैठे हैं, अगर भुवनेश्वर में बैठे हुए ग्लोबल वर्ल्ड में, आज की जो ग्लोबल एरा में जो दुनिया जिस ढंग से चल रही है उसमें भुवनेश्वर के लॉ ग्रेजुएट की टर्नओवर 3.5 करोड़ हो सकता है, आपका तो क्लाइंटेल भी दुनिया भर के होंगे, आपकी टर्नओवर भी उससे ज्यादा हो सकता है। ये दुनिया छोटी हो चुकी है, आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात आई है, इसको आप बढ़ाइए। हम निश्चित रूप में मेरे विभाग की ओर से भी उसमें से कुछ स्किल डेवलपमेंट की ओर से कुछ उसमें पार्टनरशिप करेंगे, हमको जो समझ में आ रहा है आने वाले दिनों में उसमें आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा मित्रों, जब तक कोई भी सोसाइटी में एमएसएमई और बॉटम ऑफ द पिरामिड की बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं होती है तब इकोनॉमी मजबूत नहीं होता है। जीएसटी की नेट बढ़ी है, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है, जीएसटी की पार्टिसिपेंट भी बढ़े हैं, ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं आए हैं। किसी ने मेरे को कहा ये बड़े लोग तो बड़े बड़े सीईओ को रखते हैं, कैसे सरकार को कम पैसा देना पड़े। छोटे लोगों की छोटे जब हमारी हमारी सरकार की एक्सपीरियंस ये है कि हमने जनधन खाता खुला, जीरो बैलेंस के अकाउंट की बात कही, करोड़ों रुपया की पैसा आया। आज जीएसटी लोग कहते थे जो सरकार जीएसटी को इंप्लीमेंट करेगा दोबारा चुन के नहीं आएगा, हमने 300 से ज्यादा सीट से चुन के आए हैं और आपके आशीर्वाद रहा तो फिर चुन के आएंगे। ये तो फायदे की धंधा है इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से कहा कि भारत की इकोनॉमी मेरे तीसरे काल में 3 नंबर होगा, इसलिए आपसे हमारी ये अपेक्षा है। कम से कम आज उड़ीसा की पिछले एक लास्ट स्टैटिस्टिक्स में देता हूं, 4 से 14 के अंदर उड़ीसा को केंद्र सरकार से रिसिप्ट हुई थी विभिन्न प्रकार में, टैक्स में, फाइनेंस कमीशन में, रॉयल्टी में, अन्य प्रकार के रेवेन्यू में 3 लाख करोड़ स्कीम्स के अंदर भी 3 लाख करोड़। आज 10 साल से 1 साल कम है, 9 साल हुआ है, 9 साल में आज उड़ीसा की रिसिप्ट 18 लाख करोड़ है। 3 लाख से यह बढ़के 18 लाख करोड़ हुई है। सोसाइटी में उड़ीसा को डीएमएफआई है, पहले नीलामी होती थी सिर्फ रॉयल्टी मिलता था, अभी रॉयल्टी मिल रहा है और उसके ऊपर नीलामी की प्रीमियम भी मिल रहा है उड़ीसा को। पिछले साल उड़ीसा के बजट में इकोनॉमी सर्वे में रिफ्लेक्ट हुई है 2014 में 5000 करोड़ रुपया एनुअल मिनरल रेवेन्यू होती थी, पिछले साल उनकी 49,000 करोड़ हुई है, ये उस 18 लाख के अंदर है। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे ठीक से हो,